के गांव वगैरह से घूम घाम के आए, गूगल मैप पे पता नहीं कहाँ यार बीच में अटका दिया, बिल्कुल ठेठ गाँव में, रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ आते आते करीब 1 घंटे से ऊपर लग गया होगा, 12 बजने वाले हैं। अब यहाँ नहाएंगे गंगा जी, फिर दर्शन करेंगे, हम मौज लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। अगर आप गंगा जी के घाट पे जा रहे हो, यहाँ तो घाट पे ऐसे कच्चा रास्ता है, अगर घाट तक कार लेके जा पाए तो अच्छी बात है, वरना कार बैक करके ले आएंगे वापस। और एक चीज़ ये भी है कि गंगा जी पे जल ज़्यादा है कम है, घाट पे नहाने की सुविधा है नहीं है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। क्योंकि विदुर जी का आश्रम तो पीछे है जो मंदिर है, और वहीं पे बथुए के पेड़ पौधे जो भी हैं वो सब वहीं मिलेंगे, दर्शन कराएंगे। वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ भी वीडियो के बारे में पूछो तो कमेंट करना भाई, मैं नंबर दूंगा डायरेक्टली, बात करना मेरे से। बोलिए जय हो गंगे भैया। हाँ तो गंगा मैया के भक्तों, विदुर कुटी से चलते चलते मैं अभी बता रहा था ना कि पता नहीं गाड़ी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, गाड़ी पहुँच गई, सामने घाट है, अभी उतर के देखना है। गंगा जी का जल दिख रहा है और जल बिल्कुल स्वच्छ है, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मवेशियाँ हैं, गाय भैंस को चर रही है यहाँ पे, और पीछे छोटा छप्पर टाइप सा कुछ बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको पता नहीं भाई, चलिए टेम्परेरी कुछ बना हुआ है, ये शायद ड्रेस चेंज करना हुआ होगा, तो दिखाते हैं भाई। देखो ये है अपनी गाड़ी और ये गंगा जी। और क्या चाहिए जिंदगी में, जो चाहिए वो है मोक्ष। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमामि गंगे, गंगे नमामि। ये गाय भैंस, ये गंगा जी। वहाँ को जाके देखिए, वो जहाँ मछुआ रहता है वहाँ पे जगह सही है। हाँ तो गंगा मैया के भक्त यहाँ खड़े हुए हैं, और करीबन 10 फुट नीचे है गंगा जी। अब ये सोच रहे हैं जाए तो जाए कैसे, कुछ रस्सी और चेन वेन तो कुछ है नहीं है, तो सब रेतीले घाट है। अब सोच रहे हैं नहाए नहीं नहाए, आचमन करें क्या करें। वैसे आगे कुछ मछुआरे दिख तो रहे हैं, उनके पीछे जाएं जाएं क्या करें यार। रहने दो, गंगा मैया को ऐसे प्रणाम कर लो, ओम प्रणाम कर। हाँ तो गंगा मैया के भक्तों, प्रोग्राम हो गया कैंसिल यहाँ पे नहाने का, क्योंकि नीचे नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा रिस्की है, कुछ पकड़ने का नहीं है, देख लो। जाने को तो जा सकते हैं, मगर ठीक है यार, जब बड़े लोग मना कर रहे हैं तो फिर नहीं जाना चाहिए। जय हो गंगे मैया, मोक्षदायिनी माता, पापनाशिनी माता, मोक्ष दीजिएगा, पापों को खत्म कीजिएगा, बस और क्या चाहिए जीवन में, सिर्फ चाहिए तो मोक्ष मोक्ष मोक्ष, भगवान के चरणों में जगह। तो अब दर्शन कराते हैं विदुर कुटी जी के, विदुर मंदिर जी के, तो वहीं पे चलते हैं पीछे। मगर ये गाय भैंस तो जा रही थी नीचे, मगर हम नहीं जा रहे, हम तो गाड़ी में बैठ के वापस जा रहे हैं। ओम, हाँ वो सुबह नहा के नहीं आए, हम सुबह घर से नहा के आए थे। हाँ तो भाई लोगों, वो है विदुर कुटी, दिख रहे हैं शिखर, देखो ये दिख रहे हैं। हाँ तो भाई लोग आ चुके हैं विदुर कुटी, यहाँ गाड़ी लगा दी, आधी छाँव में और आधी धूप में है, क्योंकि चारों तरफ धूप ही धूप है और खुला हुआ है सब। इस साइड में गंगा जी थी, अभी जो होके आए हम, और ये है विदुर कुटी, और ये है आश्रम विदुर जी का, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने बथुए का साग खाया था। तो दर्शन करते हैं, और पंडित जी मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा क्या क्या डिटेल है। जय हो राधा कृष्ण जी।
जय हो कृष्ण भगवान। इस साइड में गंगा जी हैं, यहाँ पे करीब आधा किलोमीटर आगे जाके, और ये विदुर कुटी है। यहाँ भगवान जी बैठे हैं, कृष्ण जी अलग अलग 300 रूपों में, और बाकी अन्य भगवान जी यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं। और इस ये जो चक्र दिख रहा है, इसके पीछे विदुर जी की प्रतिमा है काफ़ी बड़ी, और उनका इनॉग्रेशन राजेंद्र प्रसाद जी ने करा था। विदुर गौशाला भी है यहाँ, तो भाई लोगों पंडित जी ने अच्छी खासी बढ़िया करके पूजा करवा दी है। ये मंदिर के शिखर हैं, यहाँ पे विदुर जी की प्रतिमा है इस सारे शिखर के नीचे, और यहाँ पे कृष्ण जी के अलग अलग 3 स्वरूप हैं, और ये पीपल जी के वृक्ष हैं, इधर गंगा जी हैं साइड में, और ये गौशाला है। तो गौशाला में देखते हैं, तो कृष्ण जी के भक्त ये हैं गौ माता, ये देखो खा रही है ना। गौशाला में ज़्यादा तो करी हैं, वरना 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, और कुछ घूमने भी गई हूँ। ये सब इनके रखवाले होंगे। तो भाई लोगों, ये विदुर कुटी जो है जिस एरिया में है, उस जगह का नाम है दारागंज। दारागंज ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, तो जो लोग जिन लोगों की डेथ हो गई थी, जो उनकी वाइफ जो थी, वो सब उनको यहाँ शरण मिली थी, तो इसलिए इस जगह का नाम दारागंज रखा गया है। और पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ट्रक भी लिया होगा ना तब भी आराम से पार्क हो जाएगा। बहुत जगह है यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा मंदिर है, कहीं यहाँ से शुरू है, दूर तक है, पीछे गौशाला है, इधर मंदिर है, बहुत कुछ है यहाँ पे, और दूर गंगा जी हैं। और अभी जो गौशाला के केयर टेकर हैं बता रहे थे, कम से कम 35-40 साल से मैं यहाँ पर हूँ, तो गंगा जी यहीं पर बहती थी, मतलब बता रहे थे ये वाले जो मंदिर छोटे छोटे हैं, यहाँ पर गंगा जी बहती थी, और कम से कम इतनी गहराई होती है 10 से 15 फुट। अब जल पीछे पीछे करीब आधा किलोमीटर पीछे चला गया है, ठीक है, कलयुग का प्रभाव है, और क्या कह सकते हैं, वरना बिल्कुल विदुर कुटी ये रही, विदुर जी का घर और गंगा जी ये रही, कितना यूनिकनेस होती, बट जैसी प्रभु की इच्छा। जैसा कि भक्तों आपको पता है कि अब हम विदुर कुटी आए हुए हैं, तो विदुर कुटी में आपको पता है ये महाभारत से संबंधित है, महात्मा विदुर जी का निवास स्थान है। तो जब श्री कृष्ण जी संधि लेकर आए थे कि महाभारत का युद्ध ना करा जाए, तो दुर्योधन ने उनके लिए बहुत तरह की पकवान बनवाए, 56 प्रकार के भोग तैयार करवाए, लेकिन उन वो भोग प्रेम से कहाँ खिलाने वाला, उसके अंदर तो प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, प्रेम दया समर्पण कुछ था ही नहीं।
तो उसने भगवान कृष्ण जी से कहता है कि मधुसूदन मैंने तुम्हारे लिए भोग लगवाया, भोग तो कर लो। तो बोले नहीं भ्राता, मैं महात्मा विदुर जी का जा रहा हूँ। और वो वहाँ से कह के और विदुर जी के यहाँ आ गए। तो विदुर जी के यहाँ जब आए तो विदुरानी अपने ध्यान वान कर रही थी, स्नान कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कौन, तो उन्होंने कह रहे खोलो, तो कहा कि मैं आया हूँ, मैं कृष्ण। तो वो इतनी बेसुध हो गए कि भगवान जी के उसमें उन्होंने यही नहीं देखा उनके शरीर पर वस्त्र है या नहीं है। और आके उन्हें जल्दी से अपनी खाट पर बैठा गए और बोले काकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, बहुत तेज भोजन कराओ। तो वो आबी दुरानी बड़ी परेशान की कुछ नहीं। तो वो जैसे ही उठ के जाने लगी तो वो कृष्ण जी कहते हैं अरे काकी ये मेरा दुपट्टा तो ले लो। तो उन्होंने अपना पीताम्बर निकाल कर दिया और उन्होंने विदुरानी जी ने ओढ़ के आई और फिर वो केले लेके आई और इतने प्रेम से ध्यान में इतने भगवान जी के कि वो उसको बुद्ध ही नहीं रही कि मैं क्या कर रही हूँ। वो केले छीलती जा रही हैं और केले को फेंकती जा रही हैं और छील के कृष्ण जी को देते जा रही हैं। और उन्हें भी भूख लगी थी और भूख क्या, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम से वो छिलके खाए जा रहे हैं। अब इतनी देर में पता लगी महात्मा विदुर जी को हस्तिनापुर में कि भाई कृष्ण तो मेरे घर गए हैं। अब वो भागते हुए आ रहे हैं जल्दी जल्दी कि आज तो घर पर कुछ है भी नहीं, विदुरानी क्या खिलाएंगी, कैसा उनका स्वागत करेंगी, कुछ खरीद कर लाऊं। अब वहाँ से वो मक्खन दूध मिश्री सब खरीद कर लाते हैं। अब घर आकर देखते हैं कि कृष्ण जी बैठे हैं तो वो कहते हैं विदुरानी लो। विदुर जी आके कहते हैं कि कुछ बनाओ। तो वो कहते हैं कि मैंने तो भोजन कर लिया। बोले क्या कर लिया मधुसूदन तुमने? तो बोले मैंने तो विदुरानी ने खिलाया। तो वो देखते हैं कि अरे छिलके छिलके तो गायब हैं और केले पड़े हैं। तो पूछते हैं तो वो विदुरानी बताती हैं अरे मैंने तो कितनी गलती कर दी, कितना अपराध कर दिया कि प्रभु को मैंने छिलके दे दिए। तो वो कहते हैं कृष्ण जी अरे नहीं काकी आपने तो इतने प्रेम से खिलाए। तो वो कहते हैं अच्छा कुछ बनावा तो खा कर जाओ। तो वो घर वहीं बथुआ आ रहा था, बथुए को उबलने रख देते हैं। तो वो बथुए का रस पी लेते हैं कृष्ण भगवान जी और कहते हैं कि काका विदुर और विदुरानी काकी मैं तो इतना तृप्त हो गया कि वहाँ के 56 भोग मुझे पसंद नहीं आए जो मैं तुम्हारे यहाँ आया, तब से हो गया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। और ये जगह इतनी प्रसिद्ध हो गई क्योंकि यहाँ तो महात्मा विदुर जी का निवास स्थान था, श्री कृष्ण जी साक्षात आए थे। तब से भाई गंगा जी बिल्कुल इस मंदिर के निकट ही बहती थी पूर्व काल में, लेकिन अब धीरे 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 थोड़ी वो आगे बढ़ गई हैं। मतलब थोड़ी क्या ऐसे 500-700 मीटर के करीब आगे बढ़ गई हैं। और बहुत आनंद आया, हम तो प्रथम बार आए हैं। और भाई भक्तों आप सभी यही आशा करते हैं कि आप भी आइए, विदुर कुटी आइए, विदुरानी जी के दर्शन करिए, विदुर जी के करिए, कृष्ण कन्हैया लाल के करिए, गंगा मैया के करिए। जय महात्मा विदुर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय। पानी 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 पानी